वोटों की गिनती के बीच औंधे मुंह गिरा बाजार, सेंसेक्स 2800 अंक टूटा, निफ्टी 22450 से फिसला। लोकसभा की 543 सीटों की काउंटिंग जारी, एनडीए ने 289 और इंडिया ने 221 सीटों पर बनाई बढ़त। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस 2-2 सीट पर आगे। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान, कांग्रेस, सपा और टीएमसी को फायदा। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी लगभग 20,000 वोटों से आगे, अमेठी से स्मृति 13,000 से पीछे। यूपी के रुझानों में एनडीए को बड़ा झटका, इंडिया ने बनाई बढ़त, सपा 31 सीटों पर आगे। यूपी के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव काउंटिंग शुरू, भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पीछे, लखनऊ में राजनाथ सिंह ने बनाई बढ़त। मैनपुरी में सपा के डिंपल यादव ने बनाई बड़ी बढ़त, भाजपा के जयवीर सिंह पीछे। पटना हाईकोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, 30 जून 2024 से आवेदन करने की आखिरी तारीख, सैलरी 1,42,000। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी में फैकल्टी सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, 7 जून 2024 है अप्लाई करने की लास्ट डेट, एज लिमिट 58 साल।